भाई बहन है, छोटे बच्चे, रिश्तेदार है, उन सबके लिए है, आप आगे उनको समझा सकते हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना और समझना कि हम आज क्या बात कर रहे हैं, किताब से बाहर है। अच्छा ये बताओ कि जब आपको कोई प्यार से छूता है, आपको समझ में आता है कि ये प्यार से छू रहा है? जैसे आपकी माँ आपको आशीर्वाद देती है, ठीक है, छोटे बच्चों को माँ नहलाती है, दादा दादी प्यार से सर पे और पीठ पे हाथ फेरते हैं, तो कैसा महसूस होता है? आप बताओ, बोलो बेटा, कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? हाँ, और अगर कोई आपको जबरदस्ती पकड़े, अपनी तरफ खींचे या कहीं धक्का दे, तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है। बस तो आपको अच्छे और बुरे की पहचान है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। अब हमें ये देखना है, देखो आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो अच्छी नहीं है, हमें वो समझना है कि वो कौन सी चीजें अच्छी है और कौन सी चीजें बुरी है। तो मैंने चार्ट लटका रखा है जो पार्शली देख सकते हैं, वो देखे, बाकी समझने का कोशिश करें कि अच्छा या सुरक्षित स्पर्श किसको कहते हैं, ठीक है। जैसे माता पिता के द्वारा सिर पे हाथ फेरना, पीठ पे हाथ फेरना, आशीर्वाद देना, ये कौन सा स्पर्श है? अच्छा, स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो जो कोई हमें प्यार से छूता है वो है अच्छा या सुरक्षित, जिसे हमें अच्छा लगता है। फिर जैसे छोटे बच्चों को माँ नहलाती है, तो ये छोटे बच्चों के लिए अच्छा स्पर्श है। फिर दोस्तों और परिवार के साथ आप घूमते हो, फिरते हो, गले में हाथ डाल के फिरते हो, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा लगता है, मजा आता है। हाँ, तो वो हमारा जो स्पर्श है, जो छूना, स्पर्श का मतलब है छूना, जिस इंसान के छूने से हमें प्यार का अनुभव हो, सुरक्षा का अनुभव हो, वो है अच्छा। अब जैसे पंडित जी या कहीं हम समाज में जाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, पंडित जी सिर पे हाथ फेरते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो भी अच्छा स्पर्श है। टीचर आपको शाबाशी देते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं, धीरे से प्यार से थपकी भी दे देते हैं पीठ पे, जैसे ये ऐसे हल्का सा मारते हैं पीठ पे, हल्का सा मारते हैं सर पे, तो आपको अच्छा लगता है ना कि मेरी तारीफ हो रही है, तो वो छूना भी सुरक्षित है। इसके अलावा दादा दादी खूब गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, तो क्या अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है ना, तो वो है अच्छा स्पर्श। फिर है, आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो, डॉक्टर आपके हाथ भी पकड़ता है, पीठ पे वो कान में डाल के स्टेथोस्कोप से चेक भी करता है, जीभ भी निकलवाता है, छाती पे भी चेक करता है, लेकिन कोई बड़ा साथ होना चाहिए। अकेले डॉक्टर के पास ऐसे जाते हैं हम, पर सामान्य तौर से छोटे बच्चों के साथ किसी भी बड़े को जाना चाहिए, चाहे माता पिता हो, चाहे टीचर हो, बड़े भाई बहन हो, उनको जाना चाहिए। तो डॉक्टर का बड़ों की निगरानी में छुआ हुआ स्पर्श कैसा है? अच्छा, ठीक है। तो ये सारे अच्छे स्पर्श है जिसे हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, अच्छा लगता है कि भाई ये हमसे प्यार करते हैं। आपको समझ में आता है ना कि जब कोई प्यार से हाथ फेरता है तो मन में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, ये मेरा अपना इंसान है जो ये मुझे छू रहा है। अब हम बात करते हैं असुरक्षित या गलत। गलत क्या होता है जिससे आपको कैसा लगेगा? अब मुझे एक बात बताओ, आपको किसी ने जबरदस्ती छुआ, अपनी तरफ खींचा, पटका, कैसा लगेगा? बुरा, बुरा लगेगा। आपको गुस्सा भी आएगा। जैसे मान लो मैं किसी को, मनीष खड़ा हो, अब जैसे मैंने मनीष को खड़ा किया और उसको जोर से खींच रही हूं मेरी तरफ, तो मनीष, मैं टीचर हूं इसलिए मुझे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कोई दूसरा बच्चा खींचेगा तो क्या करेगा मनीष? चिल्लाएगा। देखो एक छोटा सा फिल्ला होता है कुकरियों में, तो उसको आप प्यार से हाथ फेरते हो तो वो आपके आगे
उसके टांग खींचोगे, पूंछ पकड़ के खींचोगे, फेंकोगे तो वो क्या करेगा? चिल्लाएगा। चिल्ला के क्या करेगा? वो भागेगा। पिल्ला हमेशा भागेगा, कुत्ता काटने को दौड़ता है, पिल्ला क्या करता है? बच के भागता है। तो बस जैसे मैंने मनीष को खींचा, मान लो मनीष तू सोच कि मैं तेरे में कोई अनजान व्यक्ति हूँ और तेरे को यूं खींच लूं, तो क्या समझेगा? तू क्या करेगा? नो, चिल्लाएगा ऐसे, ठीक है, मत करो ऐसे, कौन है रे, कौन है, ऐसे करते हो? तो बस इस तरह खींचना, मारना, छूना, ये बुरा है, जिससे आपको अच्छा नहीं लगता, मन में बहुत गंदा महसूस होता है। तो ऐसा कौन कौन सा छूना है जिससे आपको मन में बुरा महसूस होगा? तो हम अब वो देखेंगे। कुछ ऐसा छूना होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, उससे बचना चाहिए। तो ये कौन कौन से छूने हैं ऐसे, हम वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि बुरा स्पर्श या बुरा छूना किसे कहते हैं, तो क्या होता है? अब एक तो मैंने उदाहरण आपको ये बताया, स्पर्श मतलब कोई आपको पकड़ के खींच ले ऐसा। अब देखो, ऐसा करने वाला कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका जान पहचान वाला भी हो सकता है, आपका दुकानदार भी हो सकता है जहां से सामान लाते हैं, वो भी हो सकता है, और कोई भी अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, अनजान भी हो सकता है, पर ज्यादातर हम अनजान व्यक्तियों से बात नहीं करते हैं, लेकिन हम जान पहचान वालों के पास जाके बैठते हैं, बात करते हैं, उनसे मिलते भी हैं, और तो वो क्या करते हैं, ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो हमें बुरा महसूस करवाते हैं, जैसे हमारा सब्जी वाला दुकानदार। जैसे मान लो आप गए, खड़ा होगा बेटा, अब जैसे ये दुकान में गया, क्या नाम है तेरा? नरपत। नरपत को मैंने खड़ा किया हुआ, ठीक है, ये गया दुकान पे कि अंकल जी 5 रुपए की टॉफी दे दो। अंकल जी ने हाथ पकड़ने अंदर खींच, अब ये अंदर खींचने वाला कौन है? उसका दुकानदार है ना, जहाँ लोग सामान लेने जाते हैं, ठीक है, या जैसे कोई पड़ोस में बड़े भैया रहते हैं, उनके साथ खेल रहा है, खेलते खेलते उन्होंने इसको अपनी तरफ खींचा, अपनी गोद में बिठाया और जगह जगह हाथ फेरने लगा, ये गलत स्पर्श है। हाँ, ये गलत है। बच्चों को मतलब ये माँ जो बच्चे को असहज महसूस कराता है, मन में बुरा लगता है कि मुझे क्यों छू रहा है, नहीं छूना है, तो ये चीज कोई भी कर सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, कोई पड़ोसी है, दोस्त का बड़ा भाई भी हो सकता है, बड़ी बहन भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी ही गलत करते हैं, बड़ी बहन भी हो सकती है, कोई जान पहचान वाले आंटी जी भी हो सकते हैं, कोई दीदी भी हो सकती है, तो ये गलत छूना है उसको। अब कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां छूना गलत होता है, ये ध्यान से सुनना। अगर कोई आपको आपके होठों पे छुए, देखो प्यार से छूना अलग है, आपको मैंने प्यार से छूने वाले कौन कौन लोग थे? मम्मी पापा दादा दादी, ये ठीक है, लेकिन कोई अन्य होठों पे छुए तो ये गलत है, नहीं छूने देना है किसी भी स्थिति में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, नहीं छूने देता। 4 जगह खास तौर से ऐसी है जहां अगर आपको कोई छूता है वो गलत है। एक तो होठों पे, कोई आपको होठों पे छूता है वो गलत है, नहीं छूने देना है। दूसरा, आपकी छाती पे, हाँ ये गलत है, छाती पे और पेट पे। फिर आपके दोनों पैरों के बीच में कोई छूता है वो गलत है। तीसरी ये हो गई, चौथी जगह है आपके पीठ के पीछे, कमर के नीचे, आपको अगर कोई
गलत है। ये चार जगह का छूना साफ साफ गलत है। किसी भी सूरत में किसी को भी वहां छूना नहीं देना है आपको। अगर कोई वहां छुए तो ये आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है? आई समझ में? फिर ये तो सामान्य तौर पे कोई भी जान पहचान वाला भी छुएगा। अब इसके अलावा भी बहुत सारे कहां कहां, तो जैसे आप पार्क में घूमने गए, खेलने गए, तो वहां कोई खेलना भाई पार्क में कॉलोनी वाले ही आते हैं आसपास वाले, वो कहेंगे ले बेटा मैं बिठाऊं, और वो पीठ पे हाथ फेरेगा, पैरों पे हाथ फेरेगा, छाती से लेके पेट पे हाथ फेरेगा, वो गलत है, नहीं करने देना है उसको ऐसा। उसके बाद कहीं पर भी बस में आप चढ़ते हो तो लोग आपको पकड़ के चढ़ाते हैं, अगर हाथ पकड़ के बस में चढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, आप बैठे हो सीट पे या कहीं खड़े हो और कोई आपको गलत तरीके से छू रहा है, वो गलत है, नहीं छूने देना है। फिर कहीं आप घूम रहे हो, कई बार ये होता है कि आते जाते लेट हो जाता है और आपको कोई अनजान व्यक्ति मिलता है, ले मैं खाना मैं छोड़ दूं, बस यही आपके साथ गलत की शुरुआत है। तो सब ऐसे नहीं होते पर बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको अनजान होने का भी फायदा उठाएंगे और कहीं अंधेरे में ले जाके आपके साथ गलत करने का प्रयास करेंगे और नहीं करने देना है। ये हुआ। इसके अलावा कोई आपके कपड़े उतारने की कोशिश करे आपको मना करते हुए भी, आपके कपड़े आपके अलावा कोई नहीं उतार सकता, तो कोई आपके कपड़े उतारने का प्रयास करे या जबरदस्ती कहे उतार, ये गलत है। या आपके सामने कोई अपने कपड़े उतार के आपको गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है वो भी गलत है। ये इसके अलावा एक आजकल नई चीज चल रही है सोशल मीडिया पे गलत कंटेंट, कोई ऐसी चीज जो आपको देख के गलत लगता है, जैसे मान लो आपके जान पहचान वाले ने किसी ने आपको कोई उल्टी सीधी चीज पूछ ली जो आपकी उम्र के हिसाब से नहीं देखनी चाहिए, उम्र मतलब 21 से कम के हिसाब से नहीं देखनी चाहिए, फिर भी उसने आपको भेजी और कहता है देख देख, वो गलत है। वो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, वो नहीं होना है, वो नहीं देखना, उसको क्या तो मत भेज मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती या आपको मन में गंदा महसूस करवाती है वो सब बुरी चीज है। बुरी चीज सिर्फ छूना ही नहीं दिखाना भी हो सकता है, तो वो बुरा आपको नहीं देखना है, किसी भी तौर पर नहीं होने देना है खुद के साथ। अब क्या करेंगे अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है, तो मान लीजिए कोई आपके साथ ऐसा करने का प्रयास करता है तो क्या करोगे? ऐसे में आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान देनी है कि ये तो करना ही नहीं या होने ही नहीं देना है, तो और अगर ऐसा होने लगता है तो आपको कुछ करना है, वो अभी मैं बता दूं कि क्या करना है। तो इस चार्ट में ये है कि अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आपको दो बच्चे और जी इधर तो आपको क्या करना है, अभी मैंने क्या कहा था, पिल्ला क्या करता है, चीखता है चिल्लाता है, तो आपको भी चिल्लाना है नो, आप गलत कर रहे हो, नहीं करना है ऐसा, ये आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, नहीं बोलोगे अगले की हिम्मत बढ़ेगी, वो आपके साथ औरों के साथ भी गलत करने का प्रयास करेगा, तो उसको शुरुआत में ही रोक देना है, क्या कहना है नो नहीं नहीं करना है ऐसा। फिर क्या करना ही है, दो खेलते में पिल्ला क्या करता है, चीखते में क्या करता है, भागता है, तो वहां से आपको गो दौड़ जाना है, उससे बच के रहना, बचने की कोशिश करनी है, भागो आप छुड़ा के, और फिर क्या करना है, टेल टेल यानी बताओ,
अब किसको बताओगे? आपको किसी को भी जिसपे आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, वो आपका टीचर भी हो सकता है, वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, कोई भी जिसपे आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है उसको जाके बताना है। जरूरी नहीं कि सेम डे मौका पड़े, वो इंसान ना मिले, जब भी मिले आपको उसे बताना है कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, तभी वो रुकेगा, नहीं तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी, आप डर जाओगे। कोई आपको किसी भी झांसे में डराए कि ये देख तूने ये किया ना, ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, अच्छा नहीं तो देख मैं तेरी शिकायत करूं, नहीं करने करे तो करे, आपने इतनी बड़ी गलती नहीं की है कि आप किसी से ब्लैकमेल हो जाओ, अपने साथ गलत होने दो। और अगर व्यक्ति एक बार गलत करेगा उसको मौका मिल जाएगा और बार बार वो गलत करने का करेगा, तो उसको शुरुआत में ही रोकना है। जाके आपको एक दो दिन तीन दिन जब भी मौका मिले अपने जान पहचान वाला या जो भी सबसे विश्वास है, जान पहचान वाले ज्यादा गलत करने की कोशिश करते हैं, तो जिसपे आपको सबसे ज्यादा विश्वास है उसे बताना है कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने गलत करने की कोशिश की। अब क्या होता है कि हम बता तो देते हैं लेकिन अगला भी मजबूर हो जाता है क्योंकि वो उसका भी जान पहचान वाला होता है, तो वो कहता है मैं क्या करूं। ठीक है, तो इसका भी उपाय है, एक फोन नंबर है उसको ये कहना तो इस पे फोन लगा दे। देखो मैं गेम के लिए फोन नंबर नहीं बता रही हूं, अगर कोई गलत करता है पहले अपने मिलने वाले या विश्वास वाले को बताओ और उसको बोलो कि आप इस पे नंबर लगाओ। नंबर है 1098 10 9 8। अब देखो गिनती गिनते तब 1 से 10 तक गिनते, अब उल्टा चलना है 10 9 8 1098 10 9 8। अगर आपके साथ कोई गलत करने की कोशिश करता है आप अपने विश्वास वाले इंसान से मिलो और उसको कहो इस पे नंबर लगाए, इस पे कॉल कर दे। फिर ये सीधा चाइल्ड हेल्पलाइन है वहां जाएगा और वहां से व्यक्ति अपने आप आके आपकी मदद करेंगे। ठीक है ना, तो ये करना है, क्या करना है, पहले बचना है, नो करके चिल्ला के भागना है और किसी को बताना है जिस पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो, और अगर वो एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है तो उसको कहो तू तो फोन लगा दे। बच्चों ये गेम वाली फोन लाइन नहीं है, आपको इस पे ट्राई नहीं करना है खुद से, आप अपने किसी भी बड़े जान पहचान वाले को ये बताओगे कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है और आप मेरी मदद करो, वो मदद नहीं करे तब आपको इस नंबर पे कॉल करवाना है। ये खेल वाली नहीं है, पुलिस आ जाती है फिर बेटा वो अगर व्यक्ति सही हुआ तुम गलत हुए तो जेल में। हाँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना है कि मजे मजे में कॉल करवा दो, ये गलत है, फिर आप गलत साबित हो जाओगे। तो अपने आप को बचा के उस व्यक्ति को गलत साबित करना है कि उसने मेरे साथ गलत किया, इस पे नंबर पे फोन लगा दे, तो ये काम आपको करने हैं। अब चलो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे साथ आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका जो गलत करने वाला, आपके साथ गलत करने वाला कोई भी हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, वो आपका दुकान वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, कोई पड़ोसी, कोई भी हो सकता है, बस आपको उसे बच के रहना है, बचना है और आगे जाके अपने किसी विश्वास पात्र को ये बताना है कि अब ये है कि आपको ये पहचानना है कि गलत करने वाला कोई भी आदमी ही नहीं, कोई औरत भी हो सकती है। मैंने पहले भी बोला ना, गलत औरत भी कर सकती है, कोई बड़ी दीदी भी हो सकती है, कोई आंटी भी हो सकती है, क्या हमारे घर में आई कोई बुआ काकी दादी वो भी हो सकती है? हाँ, ऐसा नहीं, अब आजकल केस होने के कोई वो दायरे नहीं रह गए कि कोई आदमी ही गलत करता है, औरतें भी गलत करती हैं। ज्यादातर केस लड़कों के साथ पाए गए,
47 लड़कियों के साथ, तो लड़कों बचने की जरूरत है, ठीक है ना। कोई आपके साथ गलत करने वाला आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है आपका, और 80% मिलने वाले या जानकार होते हैं, जिसकी वजह से हमारा परिवार कहीं ना कहीं ये सोचता है कि हमारी बदनामी हो जाएगी। आपने अपने मिलने वाले घर में बता भी दिया कि मेरे पास आज फलाने व्यक्ति ने ये किया, तो घर वाले कहेंगे अरे समाज में बदनामी हो जाएगी, वो तो अपना रिश्तेदार ही जाए, उन्हें की कर के मां, ये सारी बातें आएगी, तो आपको दबाने की कोशिश की जाएगी। इसलिए कहा है कि जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा उसे बताना, तो किसी भी सूरत में गलत होने से रोकना है, समझ में आया। पर उससे पहले आपको गुड मतलब अच्छा और बुरा पता होना चाहिए। माँ आपको छू रही है, पिता आपको छू रहे हैं, वो अच्छे के लिए, आपको उनका छूना समझना पड़ेगा कि वो आपको प्यार से हाथ फेर रहे और रगड़ के हाथ फेर रहे, इसमें अंतर होता है। आपको महसूस हो जाएगा ये चीज, आपको कोई गाल पे प्यार से किस करता है कि मारो बेटो मारो बेटो, वो अलग है, और बेटा बैठ तू मेरी गोद में बैठ, ये अलग है। मैं देखो खुल के साफ बता रही हूँ, ठीक है ना। ऐसे अगर आपके साथ कोई करता है, आपको समझना पड़ेगा कौन सही कर रहा है कौन गलत। कई बार अच्छा छुआ तूने मेरे को, आपने मुझे छुआ कैसे, और वो सही भी हो सकता है, जैसे हमारी माँ छूती है, दादा दादी प्यार से गले लगाते हैं, और कोई दूसरा कष्ट के गले लगाता है, इसमें अंतर होता है। तो आपको ये अंतर पता कर समझना चाहिए, उसके बाद एक्शन लेना है, ठीक है। आई समझ में सारी बात। और फोन नंबर क्या है? 10-9-8। मजे के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि जाते ही फोन लगा दो बेटा पुलिस आई तो सबसे पहले तुम्हारी बैंड बजेगी। नहीं नहीं लगाने ऐसे बेटा, कभी पकड़े गए ना तो सीधी जेल है, अपने गलत नहीं करना है। लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत करने की कोशिश कर, नो करके वहां से भागो, चिल्लाओ जोर से। कई बार तो क्या चिल्लाने से ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे ही चिल्लाओगे ना वो आपको छोड़ देगा, छोड़ दे, वो बच के जाने की कोशिश करेगा, उसको पता है कि मेरे सारे रिश्तेदार ही है यहाँ पर, तो आपको जोर से चिल्लाना है। फिर भी वो नहीं छोड़े तो छुड़ा के भागना है। ज्यादातर तो क्या होता है, आप चिल्लाओगे ना तो गलत करने वाला बच के भागेगा, अगर वो नहीं भागता है तो आप